हेलो आइस, दिस इज़ भारत। वैसे तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन पांच टॉपिक्स ऐसे हैं रीजनिंग के जिनमें स्टूडेंट को टीचर की रिक्वायरमेंट महसूस होती है। उसमें जो टॉपिक नंबर वन है वो है ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड ब्लड रिलेशनशिप, इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, उनको तो हम नॉर्मल हमारी जो रियल लाइफ है उसको उससे रिलेट करके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जब पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जाके स्टूडेंट फंस जाता है और वो क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं। इसमें मोस्टली तीन टाइप के क्वेश्चन हैं। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इसको हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बना करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, फैमिली ट्री से क्वेश्चन ईजी हो जाता है। हमें कोई भी रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है, सिर्फ हमें उस कंसेप्ट को पता रखना है। आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है जिसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है वो है डाइसेस एंड क्यूब्स। डाइसेस एंड क्यूब्स, इसमें भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनको तो स्टूडेंट ईजिली कर पाता है, लेकिन जैसे जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का चक्कर आता है तो वहाँ पर जाकर के स्टूडेंट वापस से फंस जाता है। तीसरा नंबर जो टॉपिक आता है वह है सिलोजिस्म। ये पूरा एक इमेजनरी टॉपिक होता है। ओके, इसमें भी कोई रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना होता है। जो भी स्टूडेंट इसको रियल लाइफ लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है, क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं। इसको भी हमारी एक ट्रिक है। मोस्टली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या फिर जो भी चैनल्स चल रहे हैं यूट्यूब पर, वो इसको वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन वेन डायग्राम बहुत ही लेंदी है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम हमारी ट्रिक से करेंगे। ओके, और उस ट्रिक से फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन कर पाएंगे हम। लेकिन वेन डायग्राम से भी कर सकते हो इसमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और थोड़ा हार्ड भी है इसके मुकाबले, इसलिए हम इसको ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से आपके कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट कर पाओगे। जो फोर्थ नंबर का टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। और जो फिफ्थ नंबर का है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, वो है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर, ये पांच टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट महसूस होती है टीचर की। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशनशिप से। ओके, फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेंगे। ब्लड रिलेशनशिप में सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखनी है वो कि हम कुछ कुछ नोटेशन देंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको नोटेशन से हम करेंगे। जो पहला जो नोट है, नोट नंबर वन, वो आप लिखिए। नोट नंबर इसमें वन ये है कि इन फैमिली डायग्राम वी हैव फॉलोइंग नोटेशंस। हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम कुछ नोटेशन से शो करेंगे। अगर मान लो मेल की बात हो, क्वेश्चन में किसी भी स्टेटमेंट में मेल की बात करें तो हम उसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। जैसे ही मेल की बात होगी उसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। जैसे ही फीमेल की बात होगी हम उसको सर्कल में बंद कर देंगे। जैसे ही ब्रदर एंड सिस्टर की बात आएगी तो हम उसको किस नोटेशन से शो करेंगे, इस नोटेशन से शो करेंगे। जैसे ही ब्रदर एंड सिस्टर की जो भी बात आएगी उसको हम इस नोटेशन से शो करेंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा, ओके, डोंट वरी। जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ की बात आएगी तो हम उसको किस नोटेशन से शो करेंगे, इस नोटेशन शो करेंगे, प्लस से शो करेंगे। मतलब जैसे ये ऐसे और इस तरीके से, कोई भी हस्बैंड होगा वो मेल होगा और जो वाइफ होगी वो फीमेल होगी, और उसका उसके बीच में अगर प्लस का चिन्ह लगाएंगे इसका मतलब उनमें जो रिलेशन है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ का है। किसी भी दो के बीच में अगर ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है तो उसको हम इस तरीके से शो करेंगे। फीमेल है तो उसके सर्कल लगा देंगे और मेल है तो उसके ट्रेंगल लगा देंगे। ओके, नोट नंबर सेकेंड है जो आपको ध्यान रखनी है। अभी हम क्या है, कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, नोट नंबर सेकेंड है कि हम जब भी, अब ये तो बात हो गई नोटेशन की, अब हमें एक ट्री बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को हम फैमिली ट्री के हेल्प से सोल्व करेंगे। तो ट्री बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि किस तरीके से लगेंगे। इसमें हम जो फॉलो करते हैं वो करते हैं जेंडर कंसेप्ट, मतलब जो बड़ा जेंडर है उसको हम ऊपर रखते हैं, उसके बाद में जो छोटा आएगा उसको हम नीचे रखते जाते हैं। जैसे मान लो ग्रैंड फादर है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद में फादर, उसके बाद में जो भी डॉटर है या सन है, इस तरीके से जेंडर के हिसाब से चलते रहते हैं। जैसे मानो कि कुछ लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट है, ए इज़ फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे। अब देखो, ए इज़ फादर मतलब ए क्या है, एक तरीके से मेल है, फादर होगा तो मेल ही होगा, तो मेल है तो उसको उसके ट्रायंगल लगा दो, ए इज़ फादर ऑफ बी। लेकिन अब बी का हमें पता नहीं कि बी सन है या डॉटर है, तो इसको छोड़ दो आप। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे,
ए, इसको ऐसे लगा दो और नीचे आएगा बी, जो भी बड़ा जेंडर है, मतलब ए फादर है ना, तो फादर उसके ऊपर आएगा और उसका डॉटर या सन है वो नीचे आएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को हम इस तरीके से शो करेंगे। ओके, मान लो कोई दूसरा स्टेटमेंट ऐसे आ रखा है कि ए इज़ मदर ऑफ बी, इस तरीके से आ रखा है। तो देखो, ए इज़ मदर ऑफ बी, मतलब ए क्या है, मदर है, मतलब कि फीमेल है। तो फीमेल है, आप उसके सर्कल लगा दो और इसको आप ड्रॉ करोगे कैसे, ए उसके सर्कल और नीचे आएगा बी, इस तरीके से आप इसका फैमिली ट्री बनाओगे। ठीक है, अगर मान लो कुछ अलग स्टेटमेंट आ गया इस तरीके से कि ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बी हु इज सिस्टर ऑफ सी। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को समझने से पहले एक बात और समझो आप कि जब भी ये हु आ जाए, कोई इस तरीके से स्टेटमेंट आए उसमें हु आए, तो हु के आगे जो भी बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है, उसके पास वाले के लिए बात हो रही है, इसके लिए बात हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर एंड आ जाता, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे, अगर यहाँ पर हु की जगह एंड आ जाता तो इसके आगे, एंड के आगे जो भी बात होती वो उससे पहले वाले के लिए बात होती, जैसा कि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे। अभी हु के आगे जो भी बात हो रही है वो बी के लिए बात हो रही है, मतलब कि जब भी स्टेटमेंट में हु आ जाए तो हु के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी, कि वो उसकी सिस्टर है या ब्रदर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, कुछ भी हो, वो उसके पहले जो भी आएगा उसके लिए बात चलेगी। तो इसके लिए फैमिली ट्री किस तरीके से बनाएंगे, जैसे आप वीडियो को पॉज करके खुद से फैमिली ट्री बनाओ, उसके बाद में आप मैच कर लेना। ठीक है, तो देखो, ए इज़ ग्रैंडफादर, तो ए क्या है, ग्रैंडफादर है, मतलब ए क्या है, मेल है। तो आप मेल है तो मेल पे ट्रायंगल लगा दो। ओके, ए इज़ ग्रैंडफादर ऑफ बी, अब बी का हमें यहाँ तक तो बी का पता नहीं लगा कि बी डॉटर है उसकी या फिर सन है। ठीक है, मतलब मेल है फीमेल है। अब आगे पढ़ो स्टेटमेंट को, हु, मतलब कि बी के लिए बात हो रही है। अब हु इज़ सिस्टर ऑफ सी, जो कि सी की सिस्टर है। अब सी का पता नहीं लगा लेकिन सी का, लेकिन बी का पता लग गया कि बी क्या है, सिस्टर है। तो बी को आप इस तरीके से लगा दो, क्योंकि ये फीमेल है तो बी पे आपने सर्कल लगा दिया, लेकिन अभी सी का पता नहीं है। तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, ए इज़ ग्रैंडफादर, तो देखो ए ग्रैंडफादर है तो ए पे ट्रायंगल लगा दो। ए का कोई सन होगा, उस सन का भी सन या फिर उसकी डॉटर नीचे बी आएगा, ये बी आ गया। अब देखो, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, ग्रैंडफादर का रिलेशन है, तो ग्रैंडफादर के रिलेशन के लिए आप इस तरीके से लगाओगे। इस तरीके से हम क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि ये बी होगा, कोई भी बी क्या है, फीमेल है, तो बी का कोई फादर होगा, उसका फादर है ए, मतलब बी का कोई फादर होगा उसका फादर, मतलब ए बी का ग्रैंड फादर है, मतलब ए बी के दादाजी हैं। तो बीच में कोई ना कोई एक पर्सन और होगा जो बी का फादर होगा, तो वो पर्सन का हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, हु इज़, अब बी के लिए बात हो रही है, हु इज़ सिस्टर ऑफ सी, अब सिस्टर सी की सिस्टर है, तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हमने इस तरीके से दिखाया था। अब ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर कुछ भी, इनका रिलेशन हमने इस तरीके से बताया था, जैसा कि मैंने आपको भी यहाँ पर बताया था। देखो, ये रहा, जब भी ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर इस तरीके से कोई रिलेशन आएगा तो हम इसको इस तरीके से नोटेशन देंगे उसको, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सी। ठीक है, तो ये इसका एक फैमिली ट्री बन गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए इज़, ए है ये, ए इज़ मैटरनल है, ओके, ये ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी एंड सन ऑफ सी। अब देखो, यहाँ पर एंड आ गया ना, मतलब एंड के आगे जो भी बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है, एंड के आगे जो भी बात हो रही है वो इस ए के लिए बात हो रही है। और यहाँ पर अगर हु आ जाता तो हु के आगे जो भी बात होती है वो इसके पास वाले की बात होती है, एंड आ जाए तो एंड के आगे जो भी बात होती है वो इसके लिए बात होती है, इससे पहले वाले के लिए बात होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है एक दो। अब देखिए, अब इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए अंकल है, इसका मतलब वो मेल है, तो मेल है तो आप इसको ट्रायंगल में बंद कर दो। ठीक है, ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी एंड सन ऑफ सी, और सी का सन है, तो ये वही बात आ गई कि ये एक मेल है। तो इसका फैमिली ट्री हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो, ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी एंड सन ऑफ सी,
तो ये सन ऑफ सी किसके लिए बात हो रही है, ए के लिए बात हो रही है, तो सी का सन है ए, तो सी लिख दो आप, और सी का सन नीचे है आएगा तो ए नीचे लिख दो। अब ए मेल है या फीमेल है इसका तो हमें पता नहीं, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का पता है कि ए क्या है, मेल है। तो ए सन ऑफ सी, सॉरी सी का सन है, सही बात है ना, कि ए सन ऑफ सी, सी का सन है ए, यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ पर देखो, ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी, मतलब ए क्या है, बी का मैटरनल अंकल है, मतलब ए की कोई वाइफ होगी, तो ए की वाइफ हो किस तरीके से दिखाओगे आप, सॉरी ए ए की कोई सिस्टर होगी, ए की कोई सिस्टर होगी, तो सिस्टर का रिलेशन, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन किस तरीके से दिखाते हैं हम, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब ए की कोई सिस्टर होगी तो सिस्टर मतलब फीमेल हो गई, फीमेल मतलब सर्कल में आएगा, लेकिन है कौन ये हमें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं छोड़ दो इसको, अंदर कोई भी होगा, ओके कोई भी होगा, उसका बेटा या फिर बेटी कुछ भी हो सकती है, तो उसके नीचे आएगा बी। अब बी का भी हमें कोई पता नहीं है कि ये बेटा है या बेटी है, तो उसको भी हम खाली छोड़ देंगे। वो मैंने आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि देखो, आपको अगर मेल आए तो ट्रायंगल, फीमेल आए तो इस तरीके से, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन आए तो इस तरीके से, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आए तो प्लस के चिन्ह से दिखाएंगे हम उसको। और अगर मान लो आपका किसी को, किसी का पता नहीं लग रहा कि वो हस्बैंड है मतलब मेल है या फीमेल है, तो आप उसको खाली छोड़ दो, ओके। जैसे हमने यहाँ पर इस बी को खाली छोड़ दिया, बी के आगे हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो देखो अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वापस से पढ़ लो एक बार, आप फैमिली ट्री बना करके, फैमिली ट्री बन गया हमारा, फैमिली ट्री बना करके आप वापस से एक बार पढ़ लिया करो, तो आप क्या है कन्फर्म हो जाओगे इस चीज़ के लिए। जैसे देखो, ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए क्या है, बी का मैटरनल अंकल है, मतलब बी की कोई मम्मी है, माँ है, बी की मदर, मदर का भाई, मैटरनल अंकल हो गया, मामा जी हो गए उनके, ठीक है, सही बात है। एंड सन ऑफ सी, अब ए के लिए बात चल रही है, एंड सन ऑफ सी, और सी का सन है, मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है यहाँ पर। तो ये तो हमारा एक कंसेप्ट डेवलप हो गया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हमने क्वेश्चंस की बात बिल्कुल नहीं की, हमने ये पूरा एक कंसेप्ट डेवलप किया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हम, क्वेश्चंस के ऊपर आने से पहले, अब क्वेश्चंस कितने तरीके के इसमें पूछे जाते हैं, तो हम लिखेंगे अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि इसमें किस तरीके, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घुमा फिरा करके इसमें तीन ही तरीके के क्वेश्चन वो पूछेंगे, ओके। आप जब भी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मैं आपका कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ एक तरीके से, हर तरीके के क्वेश्चन आप कुछ भी, हर तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे तो, ओके। तो आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप घुमा फिरा करके उन उस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन में कन्वर्ट, इन टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जैसे टाइप नंबर वन है हमारे पास, तो टाइप नंबर वन है वो है पजल फॉर्म, आपको क्वेश्चन पजल फॉर्म में पूछ जाएंगे, पजल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पजल फॉर्म मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट दे देंगे आपको, और फिर उनमें कुछ कुछ रिलेशन पूछने लग जाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा उस चीज़ का। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप नंबर टू, ओके, ये टाइप से, टाइप नंबर टू का क्वेश्चन आएगा पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, इन किसी भी क्वेश्चंस को आपको रियल लाइफ से रिलेट करके नहीं करना है, नहीं तो फंस जाओगे क्वेश्चन करने में। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के हिसाब से चलना है, कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ओके। जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कोडेड फॉर्म, ये तो ईजी आता है कोडेड फॉर्म, तो ज़्यादा जो डिफिकल्टी आती है वो इसी में आती है, पॉइंटिंग फॉर्म में, ओके। इसी ऐसी ट्रिक बताऊँगा आपका, कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ओके। कोडेड रिलेशनशिप फॉर्म, अच्छा एक बात रह गई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, तो उसमें घबराने कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, लिखा हुआ तो इंग्लिश में है, और अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में, इनमें तो हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा फर्क आता ही नहीं है, ओके। घुमा फिरा करके वही न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह आती है, तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ओके। आपके नीचे इंग्लिश और हिंदी, आजकल तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम मतलब ऊपर नीचे आते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों को देख देख के रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। अब सबसे पहले टाइप इसकी बात करेंगे हम, टाइप वन की क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पजल फॉर्म, पजल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास,
उस ये क्या है पजल फॉर्म के ऊपर है कि बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको कुछ कुछ रिलेशन पूछेगा। तो हम क्या करेंगे इसका एक फैमिली ट्री बनाना सीख जाएंगे। तो फिर तो किसी के भी बीच में अगर इन सभी का एक फैमिली ट्री हम बना लेंगे तो फिर किसी के भी बीच में कुछ भी रिलेशन पूछ ले आप उसको बता सकते हो। तो देखो इसमें लिख रखा है इन ए फैमिली, इस क्वेश्चन को आप खुद के हिसाब से पहले वीडियो को पॉज करके खुद के हिसाब से फैमिली ट्री बनाना, उसके बाद में आप मैच कर लेना उसको, ठीक है। इन ए फैमिली बी इज सन ऑफ सी बट सी इज़ नॉट मदर ऑफ बी। ओके मैं बोल रहा हूँ, अगर हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ वो सुन के। ए एंड सी आर मैरिड कपल, एफ इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ई इज़ अ डॉटर ऑफ ए, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, देन फाइंड देयर फैमिली ट्री। ओके अगर आप फैमिली ट्री बना लोगे फिर तो रिलेशन किसी के बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद में मैच कर लेना चीज़ों को। ओके मैं बता रहा हूँ अभी देखो, इन अ फैमिली बी इज सन ऑफ सी, बी क्या है सन है, मतलब तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के आप उनमें पहले उनको नोटेशन दे दो कि कौन सी चीज़ क्या है। बी इज ए सन ऑफ सी, बी क्या है सन है, सन मतलब कि ये क्या है मेल है, ठीक है आपने इसको नोटेशन दे दिया मेल दे दिया। इज ए सन ऑफ सी बट, अब सी का यहाँ तक तो हमें सी का पता नहीं लगा, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी, लेकिन ये इसका बेटा है लेकिन सी क्या है मदर नहीं है तो इसका मतलब फादर होगा, तो सी भी क्या हो गया एक तरीके से मेल हो गया। सबसे पहले नोटेशन दे लो आप, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे फिर उसके बाद में। अब यहाँ पर देखो ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है। अब देखो यहाँ पर हमने सी देख लिया कि सी ये है वो है मेल है, तो ए इसका मतलब 100% फीमेल होगी, दोनों मैरिड कपल है। हमने पहले देख लिया कि सी मेल है और दोनों मैरिड कपल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो उसका कपल होगा वो क्या होगा फीमेल होगा, ठीक है, और ये मेल हो गया। ओके उसके बाद में आगे चलो, यहाँ पर भी आप लगा लेना, ओके कोई बड़ा इशू नहीं है, इनके ऊपर आप लगा लेना कि ये पता लग जाता है इनसे कि कौन सी चीज़ क्या है। अब आगे चलो, एफ़ इज़ ब्रदर ऑफ सी, एफ़ क्या ब्रदर है मतलब कि ये भी मेल है और ब्रदर ऑफ सी, और सी का तो आपको पता ही है कि सी तो पहले ही मेल है, पता लग गया था हमें पहले ही। आगे चलो, ई इज़ डॉटर ऑफ ए, ई क्या है डॉटर है, डॉटर मतलब डॉटर क्या होती है फीमेल होती है, तो ई इज़ डॉटर ऑफ ए, और ए हमें पहले पता लग गया कि ए क्या है, ए भी फीमेल है, ये लो। डी इज़ ब्रदर, डी ब्रदर है तो ये लो ट्रायंगल, ब्रदर है तो मेल होगा, ब्रदर ऑफ ई, और ई हमें पहले पता लग गया कि ई क्या है फीमेल है। अब फैमिली ट्री बना लो, अब फैमिली ट्री फटाफट बन जाएगा इसका। देखो इन अ फैमिली बी इज सन ऑफ सी, बी क्या है सन है, बी सन है तो यहाँ पर बी लिख दो और यहाँ पर ये लगा दो, बी सन ऑफ सी, सी का सन है तो सी इसके ऊपर आएगा, हेलो सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी, ले मदर नहीं, ठीक है। आगे चलो, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल है तो मैंने बताया था आपको जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आए तो आप उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाओगे और यहाँ पर ए लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आगे चलो, एफ इज़ द ब्रदर ऑफ सी, एफ सी का ब्रदर है, तो जब भी ब्रदर सिस्टर का रिलेशन आएगा तो आप उसके बीच में इस तरीके से नोटेशन लगाओगे, तो यहाँ पर एफ लिख दो, और एफ क्या है एफ भी मेल है, येलो, ठीक है। उसके बाद में ई इज़ डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर है ई, तो डॉटर है तो नीचे लिखेगा, जब भी डॉटर या ब्रदर आता है, डॉटर या फिर सन आता है तो नीचे लिखते हैं, तो ई डॉटर है तो ई डॉटर लिख दिया हमने ये, और ई क्या है फीमेल है। अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इसका बेटा है, तो ई भी तो इसका बेटा हुआ ना। आप देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये बोल रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये बोल रहा है कि बी तो इसका बेटा है और ई है ना इसकी बेटी है, इसका मतलब 100% दोनों के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। तो ये तो आप खुद के जो एक्सपीरियंस है या फिर खुद के नॉर्मल कॉमन सेंस से आप लिख सकते हो उस चीज़ को। तो फाइनली आ गया कि डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, ई का ब्रदर है डी, तो यहाँ पर वापस से लिख दो आप डी, ये लो, मतलब कि ये सी और ए मैरिड कपल है दोनों, उनके तीन बेटे बेटी हैं, सन और डॉटर है, बी सन है, ई डॉटर है, और डी दो तो बेटे हैं और एक बेटी है उनकी, और ये जो सी है उनका एक भाई है एफ। तो ये एक तरीके से आपका फैमिली ट्री बन गया। अब इस फैमिली ट्री से आप कुछ भी रिलेशन पूछ लो इनमें कि डी सी में क्या रिलेशन है, ए ई में क्या रिलेशन है, एफ डी में क्या रिलेशन है, आपको
कुछ भी वो पूछ ले, आप कुछ भी बता सकते हो, बस आपने एक बार फैमिली ट्री बना लिया तो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास बी, पजल फॉर्म का क्वेश्चन है वापस से। बी इज अ हस्बैंड ऑफ पी, बी पी का हस्बैंड है, क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी। अब देखो यहाँ पर हु आ गया ना, हु का मतलब क्या है कि आगे जो भी बात हो रही है ना वो इसके लिए बात हो रही है, ई के लिए। हु इज़ द वाइफ ऑफ डी। थर्ड स्टेटमेंट है ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी। देन फाइंड फैमिली ट्री देयर, फैमिली ट्री। तो आप इसका क्या करो, एक फैमिली ट्री बनाओ, वीडियो को पॉज करो और खुद के हिसाब से वापस से इसको सोल्व करने की कोशिश करो कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं फिर किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, आप देखो सबसे पहले तो आप इसमें नोटेशन दे लो कि कौन सी चीज़ क्या है। बी इज हस्बैंड ऑफ पी, बी क्या है, हस्बैंड है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ये क्या है, बी क्या है, मेल है। ओके, और पी का हस्बैंड है तो ये कोई फीमेल होगी, जब भी तो इसका हस्बैंड बनेगा, तो बी और पी का पता चल गया नोटेशन का। आगे चलो, क्यों, अभी हम फैमिली ट्री नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ नोटेशन दे रहे कि कौन क्या है, मेल है या फीमेल है। ओके, बाकी फैमिली ट्री बाद में बना लेंगे, नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है कि पी क्या है, बार बार में स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं हमने अपने को, इसलिए सिस्टम से चलेंगे। पहले आपका करो क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए ना, आप क्या करना है, प्रोसीजर देखो क्या करना है। सबसे जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप तीन टाइप में से डिसाइड करो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, फिर उस टाइप में किस तरीके से प्रोसीजर से चलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम टाइप वन के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पजल फॉर्म, पजल के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस तरीके से करना है, उसमें प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ो और उनमें नोटेशन दे दो कि कौन सा चीज़, जैसे बी पी, इनमें कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। बाकी फैमिली ट्री नेक्स्ट स्टेप होगा अपन हमारा। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, क्यों इज ओनली ग्रैंडसन, क्यों क्या है, ग्रैंडसन मतलब वापस से क्या आ गया, मेल आ गया, ग्रैंडसन है तो मेल होगा। क्यों इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु, अब ई के लिए बात हो रही है, ई हु इज द वाइफ ऑफ डी। अब ई क्या है, वाइफ है, तो ई क्या आप क्या लगा दो, सर्कल लगा दो, क्योंकि ई क्या हो गया वापस, ये फीमेल हो गया, क्योंकि ई क्या है, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ है। अच्छा, अब डी की वाइफ है तो डी क्या हो, क्या होगा, मेल होगा, इसीलिए तो डी की वाइफ है ये। आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है, ई इज़ द मदर, ई मदर है तो ये फीमेल हो गई, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, और पी तो आपको पहले पता है कि पी क्या है, फीमेल है, तो पी क्या है, फीमेल है। तो फैमिली ट्री हमें अपने को बनाना है, जैसे ही आपका फैमिली ट्री बन गया आप किसी के भी बीच में इनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। फैमिली ट्री आप बनाओ, इसका कैसे बनाओगे, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद के हिसाब से बना लो फिर देखो। ओके, सबसे पहले देखो, बी इज अ हस्बैंड ऑफ पी, बी हस्बैंड है पी का, तो आप ये लिख सकते हो सिंपल सा कि बी मेल है और हस्बैंड है पी का, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाओगे और पी लिख दोगे, ठीक है, इतना तो आप कर दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, क्यों इज, अब क्यों इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यों क्या है, ई का ग्रैंडसन है, तो ई ये रहा आपका, ओके, और बीच में इनका कोई बेटा होगा, उन बेटे का भी बेटा कौन है, क्यों है, और क्यों भी ये रहा, और दोनों के बीच में इस तरीके से चिन्ह लग जाएगा। मैंने आपको बताया था नोटेशन कि ग्रैंडसन वाला जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन वाला कोई भी स्टेटमेंट आए तो उसमें इस तरीके चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि क्या है कि क्यों, क्यों का कोई फादर होगा, उनकी माँ या फिर उनका फादर है ई, तो बीच में एक कोई ना कोई पर्सन और होगा, उस पर्सन का हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क जब भी चिन्ह हम लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर का रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। स्टेटमेंट आगे फड़ो कि क्यों इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, यहाँ तक हमने कर लिया। हु इज, अब किसकी बात हो रही है, ई की बात हो रही है, ई की। हु इज द वाइफ ऑफ डी, जो कि डी की वाइफ है, तो ये लो, ये लगा दो बीच में, क्योंकि ये फीमेल है तो डी की वाइफ है, तो डी मेल होगा, ठीक है। अभी देखो, अब इन इसमें और इसमें, इन दोनों स्टेटमेंट में कोई रिलेशन अपने को पता नहीं लगाना अभी तक, क्योंकि ये यहाँ पर तो कुछ अलग ही बात हो रही है, पी की, बी और पी की बात हो रही है, यहाँ पर ई डी क्यों की बात हो रही है, मतलब दोनों में रिलेशन नहीं पता लगा अभी, तो कोई बात नहीं, दोनों में कौन लगा दो कि अभी हम दोनों को रिलेट करेंगे। अभी आगे का स्टेटमेंट पढ़ो, अभी अब आगे पढ़ो ई, अब ई की बात कर दिया वापस, अब ये क्या बोल रहा है कि ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, पी की क्या है, मदर इन लॉ है ई।
मतलब क्या है, ई इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, मतलब पी ये मान लो ये रहा पी आपका, अलग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, पी कौन है, फीमेल है, पी फीमेल है, तो मदर इन लॉ कब होगी कि पी का कोई हस्बैंड होगा, अब पी का हस्बैंड कौन है, बी है, ठीक है, चलो इसको अलग से नहीं इसी में लिख लो, पी पी का पी की मदर इन लॉ है, तो पी का हस्बैंड है उसको, उसकी मदर कौन हो गई, ई हो गई, मान लो ये रही ई, ई यहाँ पर ये रहा। अब देखो तीसरे स्टेटमेंट पढ़ो, ई इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, मतलब ई क्या है, पी की मदर इन लॉ है, सही बात चल रही है कि पी है, पी का हस्बैंड है बी और बी की मदर है ई, तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, मदर इन लॉ का रिलेशन हो गया। बस अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों स्टेटमेंट को ऐड किस तरीके से करोगे, ई को ई से जोड़ लो। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर कुछ पता नहीं है ना कि यहाँ पर कौन है, इसका मतलब यहाँ पर बीच में ये बी आ रहा होगा, क्योंकि देखो ई ये रहा, ई ये रहा, ई के नीचे कोई ना कोई आएगा, तो यहाँ पर बी आएगा और उसके नीचे क्यों है ही नीचे, और डी यहाँ पर भी ऐसे की ऐसे है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो किस तरीके से पता लगेगा, आप वो देखो, ई आप सबसे पहले ऊपर लिखो, उसके बीच में फिर यहाँ पर बी आएगा, ओके, उसके नीचे यहाँ पर क्यों आएगा, ई ई का हस्बैंड है डी, तो आप यहाँ पर लिख लो डी हस्बैंड है, ओके, और बी का हस्बैंड है पी, तो बी का हस्बैंड है पी, तो यहाँ पर आप पी लिख लो, सॉरी पी की वाइफ है, पी तो वाइफ है ना, फीमेल है, वाइफ है, तो ये फाइनली आपका फैमिली ट्री बन गया, ठीक है, ये फैमिली ट्री बन गया आपका। तो दो तरीके के क्वेश्चन हमने करे कि आपका एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे कि सिंपल आपका क्या है, इंटररिलेशनशिप होने लग जाएगा बीच में इस तरीके से, और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आएगा कि आपका इंटररिलेशनशिप का पता ही नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको, और अगर आपका कभी क्या हो कि इंटररिलेशनशिप पता नहीं लगेगा तो आपको, आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से अलग अलग करके उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई हमारी टाइप नंबर वन के क्वेश्चंस की, इसी तरीके से पूछे जाएंगे आपको टाइप वन के क्वेश्चन, और आप इनको प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप प्रोसीजर फॉलो करोगे। अब बात आती है टाइप नंबर टू की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप टू, ओके, पॉइंटिंग फॉर्म क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉइंटिंग फॉर्म। अब ये जो पॉइंटिंग फॉर्म के भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो पूछे जाते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर एक दो, और एक आता है इनडायरेक्ट, ओके, तो इनमें तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होता होना है कि डायरेक्ट आएगा कि इनडायरेक्ट आएगा, वो आपको प्रोसीजर एक ही रहेगा दोनों के लिए, ओके। अब इसके लिए जो सबसे पहले तो आप नोट लिखो, एक नोट आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, नोट क्या है, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्री स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड विद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है, यही एक ट्रिक है, इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, और कोई इमेजिनेशन पावर आपको यूज़ नहीं करनी है, जो मैं प्रोसीजर बताऊँ उस हिसाब से चलना है, सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्री स्टार्ट विद सब्जेक्ट, ओके, ट्री स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड विद ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट के साथ आपके ट्री को स्टार्ट करना है और ऑब्जेक्ट के साथ एंड कर देना, ये नोट क्या कहना चाहता है, ये इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, तो क्वेश्चन लिखो आप, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैंने लिख दिया, वीडियो पॉज करके लिख दिया मैंने।